मॉर्निंग नमस्ते, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। दिन हो चुका आज संडे का और आज है मावस, तो भी मावस का खाना बनाने जा रही हूँ। खीर तो भी रेडी कर दी है और छोले हैं वो अभी बॉईल करके रख रख के हैं, पर वो अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि भी इसमें प्याज वगैरह डल रहे हैं। तो फिर ये जो मावस की जो खाना होता अभी वो निकालने के बाद लास्ट में मैं तैयार करूंगी छोले की सब्जी। यहाँ पे मैंने बॉईल करके रख रखे हैं और इसमें बना रखी है मैंने खीर। तो अभी पहले जोत बत्ती कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर आटा लगा कर और पूरिया सेक लूंगी। तो पहले वो वाला काम कर लेती हूँ। और मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी का हो रखा है, उमस भरी गर्मी हो रखी है, बादल से छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश आई थी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी रात के टाइम में, और चारों तरफ ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कितनी की बारिश हो रही होगी। तो भाई एकदम उमस भरा मौसम आ चुका है, अभी से जून है अभी तो, और गर्मी में तो बस पूछो ही मत, इतना बेहाल है। दक्ष अभी सोन लग रहा है और उसके पापा गए हैं घूमने के लिए बाहर, तो अभी इसको जाना है 8:30 बजे ट्यूशन पे, और इसको मैं अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी। अभी तो 7 बजे का टाइम हो रखा है, 7:15 हो रखे, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ अपनी जोत बत्ती क्योंकि फिर उनको भी जाना भी ऑफिस, और वो जो जोत है वो लगा के आ जाएंगे खेत में, वरना फिर मेरे को जाना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे भी कई काम है। तो फटाफट से पहले अपना ये काम कर लेती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं मंदिर में और यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मैं और काम देखूंगी। अभी मैंने कुछ साफ सफाई का कोई काम नहीं किया है, बस यही है छोटा मोटा जो काम था वही करके, और फिर लग गई थी मैं जो खीर थी वो चढ़ा दी थी, ताज़ा पानी आ रखा था भर लिया था, अभी ताज़ी पानी में ही सारा काम होता है और पानी हमारा आ जाता है सुबह के टाइम में जल्दी आ जाता है, तो वो मैंने भर के और पहले ही मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी। शाम के टाइम में ही दक्ष से मंगवा के रख लिया था दूध, क्योंकि भी इतनी जल्दी वो उठने वाला है नहीं, और शाम को मंगवाए या फिर भी सुबह लेके आए है तो वही दूध जो पैक हुआ रखा हुआ है, और उस दिन जो हम दूध लेके आते हैं भैंस का वो वाला दूध वे देते नहीं हैं, तो इसलिए ताज़ा दूध फिर मिल नहीं पाता है। ये यहाँ पे मैंने रख दिया अभी तेल गर्म होने के लिए, यहाँ पे पूरी काट लगा लिया है, ये लोई भी बना के रख दी है, और ये रेडी हो चुकी है हमारी खीर यहाँ पे ठंडी होने के लिए, इसमें डालकर रख दी। और अब ये बस जो निकाल लेने वाली पूरी है जो प्रसाद में निकाला जावे भाई भोग का थान पर यहाँ पे गाय का, तो वो वाली पूरी बनाऊंगी, बाकी काटा फिर मैं रख दूंगी। जो मावस का खाना था वो निकाल चुकी हूँ, उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो छोले थे वो बनाने की यहाँ पे तैयारी कर दी है। इसमें मैंने डाली थी एक चुटकी भर अजवाइन और फिर डाल दिया जीरा, और उसके बाद थोड़ा ये जो प्याज थे वो मैंने इसमें मिक्सी के जार में पीस रखे थे, तो वो भी अच्छे से हो चुके थे सुनहरे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये कलर के लिए, वैसे ये है लाल मिर्ची है तीखे वाली नहीं है, कलर के लिए ऐड करते थे बस इसको। तो अच्छे से अब ये जो ग्रेवी है ये पका के तैयार कर लेते हैं, और फिर इसमें जो बॉयल करे हुए छोले हैं वो डाल देंगे, और एकदम टेस्टी से हमारे छोले हो जाएंगे तैयार। और साथ में अभी मैं इनके लिए फटाफट से बना दूँगी पूरियाँ, क्योंकि इनको भी जाना है, और दक्ष भी आ चुका है अपने ट्यूशन से, तो उनका खाना भी रेडी हो चुका है। तो ये छोले हैं और ये है, और ये हल्की जो कढ़ाई है तो थोड़ी बहुत साइड से इसमें ऐसा हो जाता है भाई जलने के कारण, तो थोड़ी सी इसे इग्नोर करें। और ये हो चुके हैं हमारे टेस्टी से छोले रेडी, बस अब थोड़ी देर और पका लेंगे। तो बस छोले तो हमारे रेडी हो चुके हैं, साइड में रख दिया, अब मैं फटाफट से पूरियाँ बेल लेती हूँ। सारी जो लोई थी वो बना कर रख ली है, और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हमारा तो भाई उसमें टाइम लगने वाला है, और तब तक मैं ये बेल के और रख लेती हूँ ताकि फटाफट मैं निकाल कर और उनको दे सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लेट ले रखी है, दोनों प्लेटों में रख ली थी बेल बेल के। एक इंसान जब खुद से ही इतना वो करना होता है तो भाई हर एक कोई अकेला अकेला ही, आज के टाइम में तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 इकट्ठा होके करन लग गए हम, तो फिर ये तेल भी गर्म हो जाएगा और फटाफट से हो जाएगी मेरी पूरी रेडी, तो ये काम भी निपट जाएगा। और वैसे अभी 10 बजे का ही टाइम हुआ था, पर ये है काम समेटते समेटते मेरे 11:30 बजे तक का टाइम हो ही जाएगा, और जब तक
भाग भाग के करती रहूँगी। देखते हैं आगे के दिन में, कई काम सोच रखे हैं करने के, हो पाते या नहीं हो पाते हैं। बस एक सिर्फ सोच सोचने से कुछ नहीं होता, करने भी पड़ते, और गर्मी की वजह से कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो भी आपको वीडियो कैसी लगती है, किस तरह की बनानी चाहिए। तो अभी बस पूरियाँ तल गए, और फिर मेरे को भी देख देख कर भूख लग गई थी। कई बार खाना इतना टेस्टी, देखने में इतना टेस्टी लगता है कि देख के भी भूख लग जाती है। तो अभी खा लेंगे, और इनको भी डाल के मैंने दे दिया था। दक्ष है, वो आ चुका था अभी ट्यूशन से, और उसको तो भाई घर में घुसते ही आ चुकी थी स्मेल की भी पूरी बनने लग रही है। तो फिर बच्चों से कहाँ इंतज़ार होता है, तो ये मैंने डाल दी है अपने लिए। और अब हो चुका है शाम का 5 बजे का टाइम, और मैं पौधों में पानी डाल गई। तो ये कुछ वो थी पत्तियाँ जो एलोवेरा की होती है, वो वाली टूटी हुई गिरी पड़ी थी, तो मैं उठा के ले आई। और अब इसको भी कट करके, जो भी इसके अंदर पल्प होता है, इसका गुद्दा होता है, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो वो निकाल लेती हूँ। और ये बालों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दक्ष बोल रहा था कि मेरे बालों में लगा देना, तो अभी तो वो नहा चुका है, तो फिर मैं उसको भी कल लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं अपने चेहरे पर इसको लगा लेती हूँ निकालने के बाद। और इसमें जो जिस तरह से भिंडी के अंदर से चिपचिप सा रेसा सा निकलता है, उसी तरह का इसके अंदर से निकल रहा था, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पल्प है। वैसे तो भी इसको खा भी सकते हैं, खाने में भी ये अच्छा होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पर मेरे से तो ये खाया जाएगा नहीं। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे वो होता ना पेठा, ताज़ा ताज़ा जो पका के उबाल के बनाया जाता है, तो उसी तरह का ये बिल्कुल दिखाई दे रहा था, एकदम वाइट वाइट। और ये देखो भी कितना सारा निकला है इसके अंदर से। तो अब मैं इसको एक बोतल में रख देती हूँ, और कल फिर लगाऊंगी दक्ष के बालों में। अभी फ़िलहाल अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, और फ्रिज में इसको रख देती हूँ, फिर जो भी एक्स्ट्रा रहेगा। काफ़ी अच्छा ये ठंडा ठंडा रहता है फेस पे लगाने के बाद, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता हमारा फेस, ओरिजिनल वाला है। तो ये थी भाई आज की मेरी वीडियो, फिर मिलेंगे, बाय।